जीवन बीमा निगम। LIC की शुरुआत सिर्फ 5 करोड़ रुपयों से हुई थी, लेकिन अब 6 दशकों बाद LIC की कुल संपत्ति बढ़कर 31 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गई है, जो दुनिया के लगभग 75% देशों की GDP और इंडिया के सारे म्यूचुअल फंड्स की टोटल इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा है। इसके अलावा LIC के पास इतने ग्राहक हैं कि अगर सारे LIC पॉलिसी होल्डर्स एक ही देश का हिस्सा होते तो वो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश होता। तो चलिए अब बिना देर किए आइए आराम से बैठते हैं और देखते हैं LIC का विशाल बिजनेस साम्राज्य। हम सबसे पहले यात्रा करेंगे केन्या की और पहुंचेंगे केन्या के कैपिटल नैरोबी। हम हैं केन इंडिया हाउस के बाहर, केन्या की सबसे बड़ी नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जिसकी जॉइंट ओनर है LIC। यहां से हम चलते हैं खूबसूरत मॉरिशस। हम पहुंचेंगे पोर्ट लुइस के LIC सेंटर। यहां मॉरिशस में LIC पिछले 6 दशकों से काम कर रही है, और इतना ही नहीं, यहां के एकांत रोड्रिगस आइलैंड में जीवन बीमा देने वाली पहली कंपनी LIC ही थी। अब मॉरिशस के बीच से चलते हैं हम रेगिस्तान की ओर और पहुंचेंगे बहरीन। LIC इंटरनेशनल बहरीन की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनियों में से एक है। ये जॉइंटली ओन्ड कंपनी पास के UAE, कुवैत और ओमान में भी लोकप्रिय है। इसके अलावा LIC का बिजनेस सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और आइलैंड नेशन फिजी में भी फैला हुआ है। अब मनमोहक फिजी से हम आखिर में पहुंचेंगे भारत। यहां जीवन बीमा कंपनी के अलावा LIC ओन करती है एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, एक म्यूचुअल फंड, एक पेंशन फंड, क्रेडिट कार्ड डिवीजन और औद्योगिक विकास बैंक IDBI। LIC इतनी विशाल है कि उसके पास 11 लाख से ज्यादा एजेंट्स हैं और हर साल सिर्फ कमीशन में 20,000 करोड़ से भी ज्यादा का भुगतान करती है। इतना ही नहीं, LIC भारत की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी संस्थागत निवेशक है, और LIC की बहुत सारी कंपनियों में महत्वपूर्ण शेयर होल्डिंग है। इस वीडियो में हम उनमें से कुछ कंपनियों को गौर से देखेंगे। LIC के इन्वेस्टमेंट्स को समझने के लिए चलिए सैर पर चलते हैं। कुछ दूर चलने के बाद हमें एक बैंक दिखेगा। बैंकों की बात करें तो LIC के पास ICICI, एक्सिस बैंक और भारत की सबसे बड़ी बैंक SBI में 9% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग है। इसके अलावा LIC के पास येस बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, PNB, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक में माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग भी है। कुछ और आगे बढ़ने के बाद हमारे चारों ओर हैं आसमान छूती इमारतें। ये हैं स्टील और कंक्रीट के आधुनिक चमत्कार। स्टील की बात करें तो LIC के टाटा स्टील और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में लगभग 9% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग है, और सीमेंट के मामले में LIC के पास ACC, अंबुजा सीमेंट्स और भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट में माइनॉरिटी होल्डिंग भी है। इसके अलावा अगर निर्माण की बात करें तो LIC भारत की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी L&T की सबसे बड़ी शेयर होल्डर है। चलना बहुत हो गया, अब आइए कोई कार चलाते हैं। हमारे पास 2 विकल्प हैं। हम भारत की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी या भारत की प्रमुख SUV निर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा की कार चुन सकते हैं। वैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी भी है। हम जो भी ब्रांड चुनते हैं, LIC की इन दोनों कंपनियों में 5% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग है। लेकिन क्या होगा अगर कार की बजाय हम एक मोटरसाइकिल की सवारी करें? उस मामले में भी LIC माइनॉरिटी शेयर होल्डर है। बजाज ऑटो, TVS और दुनिया की सबसे बड़ी 2-व्हीलर निर्माता हीरो मोटोकॉर्प की। अब हम हमारी बाइक ढलते हुए सूरज की ओर लेकर जा रहे हैं, लेकिन क्या होगा अगर हमारा पेट्रोल खत्म हो जाए? अगर पेट्रोल की बात करें तो यहाँ भी LIC का माइनॉरिटी हिस्सा है। तेल मार्केटिंग कंपनीज जैसे ONGC, BPCL, गेल, कैस्ट्रोल इंडिया और भारत की सबसे बड़ी कमर्शियल ऑयल कंपनी इंडियन ऑयल में। अब हम हैं एक आलीशान होटल के बाहर। ये है ITC ग्रुप का होटल ITC मराठा। ITC के पूरे भारत में 100 से भी ज्यादा लग्जरी होटल्स हैं। वो एशिया की सबसे बड़ी सिगरेट बनाने वाली कंपनी भी है। ITC के पास फियामा, विवेल,
और सैवलॉन जैसे पॉपुलर पर्सनल केयर ब्रांड्स हैं। और इतना ही नहीं, आईटीसी इंडिया की सबसे बड़ी ब्रांडेड फूड्स कंपनियों में से एक है। इस विशाल आईटीसी ग्रुप की दूसरी सबसे बड़ी शेयर होल्डर है एलआईसी। चलिए आईटीसी से अब हटकर आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। एलआईसी 4% से ज्यादा हिस्सा होल्ड करती है इंफोसिस, विप्रो और TCS में। TCS भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी है जिसका मार्केट कैप 7,00,000 करोड़ से भी ज्यादा है। चलिए अब थोड़ी देर रुक जाते हैं और देखते हैं ढलते हुए सूरज को, जो अपने साथ धीरे धीरे ये सुनहरा दिन ले जा रहा है। आराम करते हुए आइए एक फोन कॉल करते हैं। जिस मोबाइल नेटवर्क का हम उपयोग कर रहे हैं वो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क जियो। जियो हिस्सा है भारत की सबसे बड़ी पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का, जो ऑपरेट करती है दुनिया में सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी। और हाँ, LIC रिलायंस इंडस्ट्रीज के 6% शेयर्स की मालिक है। चलिए अब आकाश की ओर देखते हैं। अगर हम गौर से देखें तो हमें नजर आएगा फाइटर प्लेन तेजस, जिसे बनाया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में लगभग 7% की शेयर होल्डिंग है LIC की। इसके अलावा LIC का भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन उपकरण कंपनी BHEL में लगभग 10% शेयर होल्डिंग भी है। अब पहुंचेंगे हम हमारे आखिरी स्टॉप पर, ये है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहां बड़ी से बड़ी कंपनियों की किस्मत रोज बदलती रहती है। NSE पर जो कंपनियों की ट्रेडिंग होती है उनमें शामिल है टेलीफोन कंपनी MTNL, बिस्किट कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, भारत की सबसे बड़ी फुटवेयर कंपनी बाटा इंडिया, भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट पोर्ट कंपनी अडानी पोर्ट्स और दुनिया की सबसे बड़ी विस्कोस रेयन फाइबर कंपनी ग्रासिम इंडस्ट्रीज। इन सभी कंपनियों में एक चीज क्या समान है? हाँ, LIC की इन सभी कंपनियों में माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग है। इतना ही नहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी LIC की 12% से ज्यादा की हिस्सेदारी है, लेकिन फिर भी ये सारी इन्वेस्टमेंट्स LIC की कुल संपत्ति का बस एक छोटा सा हिस्सा है। LIC भारतीय गवर्नमेंट बॉन्ड्स में सबसे बड़ी निवेशक है। इन सरकारी बॉन्ड्स के पैसे देश के विभिन्न खर्चों और प्रोजेक्ट्स में उपयोग किए जाते हैं। इसके अलावा LIC इंडियन रेलवे को फंडिंग प्रोवाइड करती है, एक चैरिटी फाउंडेशन चलाती है और हाल ही में LIC ने 100 करोड़ से ज्यादा रुपए PM केयर्स फंड में डोनेट किए हैं। इस 6 दशकों पुरानी कंपनी को करीब से देखने पर पता चलता है कि कैसे LIC भारतीय अर्थव्यवस्था के लगभग हर हिस्से को आज तक प्रभावित कर रही है। इसलिए अंत में मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि ये है LIC का विशाल business.